अब एपिसोड 4 पे हमने 8 तारीख तक रैंक पुश करके मास्टर 56 स्टार तक पुश कर लिए थे। उसके बाद जैसे मैं 9 तारीख को पहला गेम चालू करा तो पहला गेम है डिफीट हो गया। अब उस गेम पे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, ट्रिपल किल करने के बाद आखिरी एनिमी को मैं मार ही दिया था, लेकिन वो भूत बन के मुझे ही मार दिया। अब उसी गेम को छोड़ने के बाद बाकी जितने भी सारे गेम था, सारे गेम के अंदर मैं किसी तरह से करके एनिमी को हैंडल कर लिया एंड अच्छा खासा प्लस होने लगा। और तो 9 तारीख को ही मुझे कुछ नई टेक्निक के बारे में पता चला, जैसे कि एक टेक्निक है ग्रेविटी लैप पे। अब अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा ग्रेविटी लैप पे मैं ट्रिक अप्लाई करता हूँ कि राउंड स्टार्ट होते ही 2-3 टचवे की एबिलिटी यूज करता हूँ एंड फटाफट जाके सामने ग्रेनेड कर देता हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास बस एक ही तचुए की एबिलिटी रहता है, जैसे कि इस टाइम पे मेरे पास एक ही तचुए की एबिलिटी है। तो अगर मैं इस टाइम पे ग्रेनेड कुक करके सामने फेंकूंगा तो एनिमी को उतना डैमेज नहीं आ सकता है, तो इसलिए ग्रेनेड की जगह आप इस टाइम पे फ्लैश फ्रीज का यूज कर सकते हो, जिससे सामने वाले एनिमी को बहुत सारा डैमेज आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं डैमेज देने के बाद मेरे रैंडम टीममेट अच्छे प्लेयर थे, तो वो लोग फटाफट एनिमी के ऊपर रश करके उन लोगों को क्लियर कर दिए। सेम वैसे अगर आपके पास अपने टीममेट हो, लाइक फ्रेंड्स हो, तो आप तो अपनी तरीके से पूरी तगड़ी कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। सेम वैसे मुझे एक नया टेक्निक के बारे में पता चला फैमटोपिया पे। देखो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पहले से ही पता होगा फैमटोपिया पे मैं क्या करता हूँ कि राउंड स्टार्ट होने के बाद फटाफट 2-3 तेजो की एबिलिटी यूज करता हूँ एंड फटाफट सामने वाले जो लिफ्ट मूव करता रहता है उसी के पास जाके एक ग्लोअर लगाता हूँ एंड फटाफट ग्रेनेड कुक करके वो वाली लिफ्ट के अंदर फेंक देता हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लिफ्ट के अंदर एनिमी आते ही नहीं है, सो उस टाइम पर आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो कि थोड़ा सा आपको आगे जाना है, यहाँ पे एक लुअर लगा के फटाफट यहाँ से ग्रेनेड कुक करके सामने वाले बिल्डिंग के विंडो पे फेंकना है। बहुत बार कंफर्म एनिमी आपको वहीं पे मिल जाएंगे तो वो लोग आराम से डैमेज हो जाएंगे। अब ये एनिमी को नॉक करने के बाद इसके पास दिमित्री था। अब जैसे वो दिमित्री से रिवाइव होकर उठा, मैं फ्लैश फ्रेश फेंक दिया और वो दोबारा से नॉक हो गया। तो कुछ इस तरीके से मैंने बहुत सारे न्यू टेक्निक के साथ इजीली भुया निकाल रहा था। लेकिन भाई आज के टाइम पे अब चाहे कितने भी बड़े प्रो प्लेयर हो, आप सामने वाले एनिमी को चाहे कितनी बार भी नॉक कर रहे हो, लेकिन अगर उनके पास दिमित्री हो देन आप उनसे कभी भी बच नहीं पाओगे। एंड यहाँ पे अभी मेरे साथ सेम वैसा ही सीन हुआ। तो हुआ ये कि मेरे टीम से सारे प्लेयर फिनिश होने के बाद मैं यहाँ पे सामने वाले एक एनिमी को नॉक करा एंड उसको सरप्राइज अटैक देने के बाद मैं फटाफट अपने लोकेशन चेंज करा एंड इस साइड पे आके जिस एनिमी उसको रिवाइव दे रहा था उसको भी नॉक कर दिया, मतलब देखते देखते दो नॉक। अब इस टाइम पे अगर ये गेम प्ले एक साल पुराना होता देन इस राउंड को मैं आराम से निकाल लेता है, लेकिन अभी का टाइम पे दिमित्री का क्या हाल है आपको तो पता ही होगा। तो जैसे मैं थोड़ा घूम के इस तरफ आया तो सारे के सारे प्लेयर रिवाइव होके खड़े हो गए थे एंड वो लोग मेरे को आराम से फिनिश कर दिए। फिर गरीना वालों कुछ तो करो, ये सोनिया और दिमित्री का दिमाग खराब करके रखे हुए। तो कुछ ऐसे दिमित्री और सोनिया से बच गए हमने, कैसे तैसे करके 3 और 4 का स्ट्राइक बनाए एंड मास्टर 56 स्टार को 60 स्टार पे कन्वर्ट कर दिए। अब फिर उसके बाद शुरू हुआ 10 तारीख। अब 10 तारीख को पता नहीं क्या हुआ, बहुत सारे गेम लगातार डिफीट होने लगा। अब उसका रीजन बस यही हो सकता है कि बहुत बार जैसे मैं एक एनिमी को नॉक करता हूँ उसको क्लियर करने के चक्कर पे दूसरा एनिमी मुझे ही नॉक कर देता है, या फिर बहुत बार लास्ट एनिमी को मारते मारते उसका सोनिया एक्टिव हो जाता है और वो भूत बन के उल्टे मुझे ही पेल देता है। लेकिन फिर भी 9 तारीख को जो मैं नया टेक्निक के बारे में सीखा था उस टेक्निक को यूज करके बहुत बार आराम से बहुत सारे नॉक्स भी निकल आता, जैसे कि यहाँ पर मैं वही पुराने 9 तारीख वाला टेक्निक को अप्लाई करूंगा। ज्यादा नहीं, बस आराम से यहाँ पे ग्लोअर लगाना है एंड फटाफट ग्रेनेड कुक करके ऊपर फेंक देना है। अब जैसे मैं यहाँ पे ग्रेनेड फेंकूंगा तो उससे 2 एनिमी डैमेज हो गए। अब इसका एडवांटेज लेते हुए मैं फटाफट ऊपर रश कर दिया एंड दोनों के दोनों एक ही जगह पे खड़े थे, उनमें से एक एनिमी का सोनी एक्टिव करके मैं तचुआ यूज कर लिया एंड फिर एक और एनिमी को नॉक करके फटाफट ग्लोअर लगा दिया। अब देखते देखते 2 नॉक निकल गए एंड जैसे मैं थोड़ा ऊपर ध्यान दिया तो मैंने देखा कि बस आखिरी का एक ही प्लेयर बचा हुआ है और ऊपर से मुझे स्नाइपर मिल के एनिमी के लूट क्रेट से, तो इसलिए मैं वो लास्ट वाले एनिमी को स्पॉट करने की कोशिश करा एंड जैसे वो एनिमी मुझे मिल गया मैं फटाफट स्नाइपर से उसको एक डैमेज दिया एंड फिर उसका सोनिया एक्टिव होने के बाद वो आराम से फिनिश हो गया। अब क्योंकि 10 तारीख में हमारा बहुत सारा गेम डिफीट हो गया था तो इसलिए बहुत सारा गेम प्ले करने के बाद भी हमारा बस एक ही स्टार प्लस हुआ, मतलब 60 स्टार पहले था एंड इतना सारा गेम खेलने के बाद बस 61 स्टार हुआ। तो कुछ ऐसे ही 10 तारीख को हमारा हाल एकदम खराब हो रखा था, लेकिन अचानक फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके वजह से हमारा बहुत सारा गेम एकदम भुया होने लगा। अब उसका रीजन अगर आप पूछोगे कि यार ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे भुया, तो मैं आपको बोलूंगा कि हमारे गेम पे कुछ सब्सक्राइबर आ गए थे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बहुत बार मेरे सब्सक्राइबर मेरे ग्रुप पे आते, लेकिन इस बार मेरे सब्सक्राइबर अपोनेंट में आ गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देख लो। तो हुआ ये था कि इस गेम में मेरे सब्सक्राइबर आए हुए हैं इसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो गेम स्टार्ट होने के बाद मैं हमेशा की तरह नॉर्मल इस साइड से रश करा और कुछ टाइम तक यहाँ पे फाइट करते करते मैंने नोटिस करा कि मेरे सारे टीममेट एक एक करके फिनिश हो चुके हैं, तो इसलिए मैं फटाफट नीचे कूद गया एंड फिर तचुए का थोड़ा सा एबिलिटी यूज करते हुए एक एनिमी को भूत बनाया।
अब उससे बचने के चक्कर पे बाकी तीन एनिमी आकर मुझे इजीली फिनिश कर दी। अब इसके बाद जैसे सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ, इस बार मैं रश नहीं कर रहा, थोड़ा पीछे आके होल्ड पे बैठ गया। अब यहीं पे थोड़ी टाइम वेट करने के बाद मैंने नोटिस करा कि एनिमी की टीम से एक प्लेयर सामने आकर टीम अप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सीएस रैंक पे एक दिक्कत होता है कि अगर सामने वाले टीम से एक प्लेयर टीम अप कर रहा है तो बाकी तीन एनिमी मिल गए तो हमको मार ही देंगे, तो इसलिए टीम अप करने से अच्छा फाइट कर लो। तो यही सोच के मैंने सामने वाले एक एनिमी को नॉक कर दिया और फिर थोड़ा सा फाइट करने की कोशिश करा। लेकिन फिर बाद में हुआ ये कि ये राउंड को भी एनिमी लोगों ने विन कर लिया। अभी जो पूरी गेम प्ले है इसके अंदर आप ये तूफान एफएफ को याद रखना, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये कुछ झोल करने वाला है। अब पहले के दो राउंड एनिमी लोगों ने विन करने के बाद जैसे थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ, हम लोग फटाफट ये वाले कवर पे वेट कर लिए। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि वो वाली पोजीशन पे वेट करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे तगड़ी वाली फाइट होने वाली है। तो जैसे ही मैं नीचे जंप किया तो उसके बाद ऊपर जितने भी सारे मेरे टीममेट थे एक एक करके सारे के सारे नॉक होने लगे। अब भाई मैं वहां से कैसे तैसे करके बच गया और फिर फटाफट तच्चो की एबिलिटी यूज करते हुए ये वाले बिल्डिंग के ऊपर जाके सीढ़ी के पास वेट करने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दो एनिमी मुझे ढूंढते हुए सीढ़ी पे आएंगे एंड जब भी कोई एनिमी सीढ़ी पे आएगा मैं उसको आराम से टेक डाउन कर सकता हूँ। तो यही सोचते सोचते मैं यहाँ पे बैठा रहा और फिर थोड़े टाइम के बाद यहाँ से एक एनिमी मेरे पे रश करा एंड उसको मैं आराम से नॉक करके फिनिश कर दिया। अब ये जो भाई साहब को मैंने नॉक किया तो ये वही थे जो स्टार्टिंग से हमारे साथ टीम अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं ये कन्फर्म नहीं था कि बस यही टीम अप करना चाह रहे हैं या फिर बाकी के सारे टीममेट भी टीम अप करने के लिए राजी है। तो इसके वजह से मुझे मजबूरी में आके फाइट करना पड़ रहा है। तो यही सोचते सोचते मैं बाकी एनिमी को स्पॉट करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन उतने में ये तूफान एफएफ आया एंड मेरे को आराम से फिनिश करके इमोट दिखाने लगा। अब इसके बाद हो गया गड़बड़, मतलब स्कोर हो गया 0-3। अब पता नहीं इसके बाद क्या होगा, मैं कंफ्यूज था कि हम लोग कम बैक कर पाएंगे कि नहीं, वो लोग टीम अप करेंगे या फिर फायर करेंगे। तो यही सोचते सोचते राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं फटाफट ऊपर चला गया एंड जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा मैंने देखा सामने मेरी वही टीममेट है जो शुरू से टीम अप करने की ट्राई कर रहे, लेकिन उनके अलावा बाकी और कोई टीम अप कर ही नहीं रहा था। तो इसलिए मैं फटाफट वहां पे ग्रेनेड कुक करके फेंक दिया एंड नॉक निकलने के बाद फिर से रश कर दिया, जिनमें से एक एनिमी का सोने एक्टिव हो गया, नीचे जाते जाते वो नॉक हो गया। अब इसके बाद यहां पे एक और एनिमी था जिसका मैंने सोने एक्टिव तो करा लेकिन मेरा टीममेट ओरियन बन के किल डाला। अब इसके बाद दो एनिमी को टेक डाउन करने के बाद मैं यहां पे थोड़ा बहुत कवर पे वेट कर रहा था, लेकिन अचानक मुझे कहीं से डैमेज आता है एंड मैं नॉक होकर फिनिश हो जाता हूं। अब इसके बाद सिचुएशन 2v2 हो जाता है एंड मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यहां पर अभी क्या होने वाला है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जैसे मेरे टीममेट यहां पे सब लोग वेट कर रहे थे फाइट करने के लिए, तो सामने वाले जो हमारे एनिमी थे या फिर सब्सक्राइबर जो भी आप बोलो, वो लोग आके आराम से टीम अप करने लगे और फिर थोड़ी टाइम के बाद ये लोग हमें विक्ट्री भी दिला दी। अब इसके बाद वाले राउंड पे फिर वो हुआ जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, मतलब सामने वाले एनिमी के टीम से चारों के चारों प्लेयर आके एक साथ टीम अप करने लगे और फिर थोड़े टाइम वेट करने के बाद जोन भी आ गए एंड मैं जहां पे खड़ा था वहीं पे ही खड़ा रहा, फिर वेट करने लगा जो होगा वो देखा जाए। और फिर कुछ टाइम के बाद सब लोगों के सोने एक्टिव हो रहा था, सब लोग नॉक हो रहे थे और फिर बाद में पता चला कि विक्ट्री हमारा हो गया। अब इसके बाद जैसे सिक्स राउंड स्टार्ट हुआ फैंटोपिया पे, यहाँ पे सब लोग आराम से टीम अप कर रहे थे, लेकिन शुरू से मैं जो बोला था कि तूफान एफएफ को याद रखना वो गड़बड़ करने वाला है, तो हुआ ये कि आराम से हम लोग यहाँ पे टीम अप कर रहे थे तो अचानक मुझे कहीं से ग्रेनेड कुक का साउंड आया। अब जैसे मैं थोड़ा मुड़ के देखा तो ये तूफान एफएफ मेरे पे ग्रेनेड करके मुझे नॉक कर दिया। अब इसके बाद वो जो मेरे सब्सक्राइबर लोग थे वो मना कर रहे थे कि मत मार और फिर जैसे मेरे टीममेट मेरे को रिवाइव देने आए तो वो मेरे को क्लियर करने लगा, लेकिन फिर बाद में मेरे टीममेट ग्लूवल लगा के मेरे को फटाफट रिवाइव दे दिए एंड फिर थोड़े टाइम के बाद जैसे मैं पीछे आया मैंने देखा कि मेरे सारे टीममेट मिल गए जो तूफान एफएफ था उसको नॉक करके फिनिश कर दिए। और फिर उसके बाद जैसे फिर से जोन छोटा होने लगा, बाकी जितने भी सारे एनिमी थे, मतलब जो दो एनिमी बचे हुए थे, वो लोग फिर से जोन के बाहर जाके एक एक करके एलिमिनेट हो गए एंड फिर हमारा स्कोर 3-3 हो गया। अब इसके बाद आया मुझे असली वाला डाउट, क्योंकि 3-3 होने के बाद वो लोग अभी फाइट करेंगे या फिर से टीम अप करेंगे, बस इसी चीज का ही कंफ्यूजन था। लेकिन इसके बाद जैसे राउंड स्टार्ट हुआ मैं फटाफट पोर्टल को यूज करते हुए सामने वेट करने लगा, लेकिन अचानक शायद ये साहिल भाई थे जो फटाफट रश करके मुझे नॉक कर दिए। लेकिन फिर बाद में मेरे आसपास मेरे टीममेट थे तो वो लोग फटाफट मुझे रिवाइव दे दिए एंड ये साहिल भाई को नॉक कर दी। अब इसके बाद मैं कंफ्यूज में था कि यार अभी मैं इनके साथ फाइट करूं या फिर नहीं, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो हमारे स्कोर 0-3 था, अब ये लोग 3-3 कराए तो अगर मैं इनके साथ फाइट करूंगा कहीं ना कहीं ये तो गलत होगा। और फिर मैं सोचा कि यार जो होगा देखा जाएगा, सबसे पहले हील कर लेते हैं। तो हील करने के बाद जैसे मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि मेरे सामने तो वो तूफान एफएफ खड़ा है, तो इसलिए मैं फटाफट उसके ऊपर फायर करा एंड बस उसी को ही नॉक करा, क्योंकि मुझे बदला लेना था। अब उसको नॉक करने के बाद बाकी जितने भी सारे एनिमी थे उन लोगों के ऊपर मैं एक भी गोली फायर नहीं करा। अब भाई देखो जो भी किया है मेरे टीममेट ने किया है, अब यहाँ पे अगर भुया हो भी जाता है तो इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। सो अगर अभी इसी वक्त साहिल भाई, लूफी भाई या फिर इताची भाई आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस भुया के पीछे मेरा कुछ भी हाथ नहीं है। अब इसके बाद मैं बस थोड़ा सा और गेम प्ले करा जिसकी वजह से हमारा 4 और 5 का स्ट्राइक बना और फिर 10 तारीख को ही हमने मास्टर 65 स्टार को कम्प्लीट कर लिया।
अब इसके बाद देखते हैं बाकी 11, 12, 13 तारीख को हम लोग क्या करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह कि अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमारा सब्सक्राइबर काउंट है 99,876। बाकी आप मुझे ये बात कमेंट करके बताओ कि आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हो, हमारा 100K कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं, और अगर हुआ है तो कितने सब्सक्राइबर है। अब इसके अलावा एक अजीब बात यह है कि हमारे यूट्यूब पे 100K होने वाले हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे 1000 भी नहीं है। अब आप ही बताओ, ये चीज देखने में अच्छा थोड़ी लगता है। सो अगर आप वहाँ पे 1000 करा दोगे तो इसी बार मैं एक्टिव भी हो जाऊंगा। बाकी अगर आप 2-3 दिन बाद ये वीडियो देख रहे हो, देन फटाफट लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो, तब तक शायद एपिसोड 6 भी आ गया होगा।